वो वक्त था जब लोग देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी का इस पर बेहद प्रभाव पड़ता है और वो भी शामिल हो जाते हैं। देश आजाद होता है साल 1956 में, जब आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है तो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नीलम संजीव रेड्डी का चयन किया जाता है। उसके बाद छठवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालते हैं नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब नीलम संजीव रेड्डी राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। बाद में उनकी वापसी होती है, कैसी होती है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं lalluram.com। आज नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के छठवें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। एक जमीन से जुड़े नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। उनके द्वारा किए गए कई कार्यों को आज भी याद किया जाता है। आंध्र प्रदेश के बेहद समान परिवार में जन्म लेते हैं नीलम संजीव रेड्डी। बचपन से ही उनमें एक नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है और आगे चलकर वो उसी को अपनी शक्ति बनाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के समय ही नीलम संजीव रेड्डी, उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है। वो दौर था जब देश में सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चल रहे थे। उससे प्रभावित थे नीलम संजीव रेड्डी। इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा और जेल से जैसे वो निकलते हैं एक मुखर नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कुमार स्वामी राजा की सरकार में नीलम संजीव रेड्डी मंत्री बनाए जाते हैं। इसके बाद वो कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें बड़े दुखी होते हैं, व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल का जो उनका बेटा रहता है उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। बेटे के दुख से निराश संजीव रेड्डी राजनीति से दूर होने का इरादा कर लेते हैं। बाद में कांग्रेस नेतृत्व उन्हें समझाता है और उन्हें वापस राजनीति में लाता है। विधानसभा और राज्यसभा सदस्य बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी 1956 में गठित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। इस वक्त संजीव की उम्र मात्र 43 साल रहती है और वो उस समय देश के सबसे युवा CM के रूप में पूरे देश में पहचाने जाते हैं। CM रहते हुए संजीव रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में कई विकास कार्य किए जिसे आज भी याद किया जाता है। कुछ समय के बाद वो CM पद से इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। केंद्र सरकार में कई बार मंत्री बने संजीव रेड्डी 1967 में लोकसभा के स्पीकर चुने जाते हैं। 2 साल बाद ही, साल था 1969, संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के लिए नामांकित होते हैं और उसके चलते ही लोकसभा का जो स्पीकर का पद है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये वही चुनाव था जिसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से? कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई। संजीव रेड्डी कांग्रेस ओ के साथ चले जाते हैं और राष्ट्रपति बनने से चूक जाते हैं। ये भी एक ऐतिहासिक घटना थी, जबकि कांग्रेस में ही 2 फाड़ हो गए थे। फिर वक्त आता है कि नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो अपनी जो सीट है वहाँ से हार जाते हैं। इस हार से वो बेहद निराश होते हैं और राजनीति छोड़ने का मन बनाकर पैतृक गांव की ओर लौट जाते हैं और साथ में जो खेतीबाड़ी से जुड़े कार्य हैं वो करने लगते हैं। बहुत सालों के बाद यानी साल 1975 में JP जो आंदोलन है उस समय वो राजनीति में लौटते हैं और छठवें लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल करते हैं। साल 1977 में नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद 2 साल बाद ही उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया और इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। उस समय नीलम संजीव रेड्डी की उम्र 64 वर्ष थी और वो देश के 6वें राष्ट्रपति बनते हैं। ये थे नीलम संजीव रेड्डी। जब वो पहली बार राष्ट्रपति के लिए प्रयास करते हैं तो उस समय कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है जिसके चलते वो राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो फिर से राष्ट्रपति के लिए नामांकित होते हैं और वो देश के 6वें राष्ट्रपति बनते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।